हमारे समाज सुधारक। ये देखो किसकी मूर्ति लगी है। बेटा ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। पिताजी ये कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। समाज सुधारक कौन होते हैं? समाज सुधारक वो होते हैं जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा पिताजी ये कब की बात है? हाँ बेटा ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। पापा आप मुझे ढंग से समझाइए। बात अंग्रेजों के जमाने की है। सारी जनता उनके अत्याचार से परेशान थी। फिर उनका विरोध क्यों नहीं किया गया? सब एकजुट नहीं थे इसलिए अंग्रेज उनको दबा लेते थे। तब हमारे देश में बहुत कुरीतियां थीं, जैसे सती प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत आदि। ये सब कैसे ठीक हुआ? कुछ लोग आगे आए और उन्होंने इन कुरीतियों का और अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने तय किया कि लोगों में एकता लानी होगी, तभी देश का भला होगा। यही लोग समाज सुधारक थे। विवेकानंद जी के अलावा और कौन कौन थे? उनके अलावा और भी कई समाज सुधारक थे, जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले इत्यादि। दयानंद जी के ऊपर मेरी किताब में एक पाठ भी है। उन्होंने छुआछूत ऊंच नीच का विरोध किया था। हाँ और सुधारकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में कई काम किए थे, जैसे महागोविंद रानाडे ने महिलाओं और असहाय लोगों के लिए विकास कार्य किए थे। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज की बुराइयों को दूर करने पर बल दिया था। और भी बहुत कुछ किया गया था। ये सब कितने महान थे। हाँ इनकी वजह से ही कितने लोगों के जीवन में सुधार आया होगा। हाँ बच्चों इन्होंने देश के लिए समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें भी बड़े होकर देश की प्रगति के लिए काम करना है। हाँ जरूर पापा।